अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा अब्दुल एंड इट्स बीबीए सेकंड सेमेस्टर क्लास एंड द सब्जेक्ट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ्स. लीनियर इनइक्वालिटीज एंड देन ग्राफ्स. पहला जो आपका टॉपिक है वो लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब उसकी डेफिनेशन और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो होती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? लेट ए बी बी रियल नंबर्स, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी इफ़ द डिफरेंस ए माइनस बी इज़ पॉजिटिव एंड वी डिनोट दिस ऑर्डर रिलेशन बाय द इनइक्वालिटी ए इज़ ग्रेटर देन बी. मतलब ये जो चीज़ है ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ लेस देन बी, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं. नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है ये, बल्कि इनइक्वालिटीज़ हैं. ये दो साइन हैं, ग्रेटर देन का और लेस देन का. इसके अलावा लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी के साइंस हैं. ठीक है. एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज़ दैट बी इज़ लेस देन ए सिंबलाइज्ड बाय बी इज़ लेस देन ए. सिमिलरली इफ ए माइनस बी इज़ नेगेटिव देन ए इज़ लेस देन बी एंड एक्सप्रेस्ड इन सिम्बल्स एज ए इज़ लेस देन बी. ये तो हो गया इनइक्वालिटी के साइंस आपका इंट्रोडक्शन. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अगर कोई भी ए बी रियल नंबर है, कोई से भी, तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट लाजमी ट्रू होगी. या तो ए बी से छोटा होगा, ए इज़ लेस देन बी, या ए बी के बराबर होगा, या तीसरी बात क्या है, ए बी से बड़ा होगा. इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करती है हर रियल नंबर पर. तो एन इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ द प्रॉपर्टी इन इज़ द केस फॉर बी इज़ इक्वल टू जीरो, नेमली ए इज़ लेस देन जीरो और ए इज़ इक्वल टू जीरो, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर. राइट. अब ए और ज़ीरो जो है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन कोई से भी दो नंबर है उनमें इनमें से एक चीज़ तो होल्ड करेगी. या तो ए बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा या बी से बड़ा होगा. तो ये ट्रिकोटमी लॉ कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी को, इनइक्वालिटी की. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी. समझ के इन प्रॉपर्टीज़ को करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़. इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ एज सच लिखनी नहीं आएंगी कि आप इनइक्वालिटीज़ की जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बताएँ. एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी. ठीक है. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें क्या चीज़ आपको बताई गई है कि जैसे इक्वेशन में हम कहते थे ना कि दोनों साइड पे एक नंबर ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह इनइक्वालिटी के साइन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें. यानी सी है, उसको आप दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा, चाहे वो लेस देन का है या ग्रेटर देन का. इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो ग्रेटर. दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा. नेक्स्ट है, इफ़ दोनों नेगेटिव हैं तो उनका ज़्यादा उनका एडिशन भी, जो सम है वो भी नेगेटिव नंबर होगा. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं. लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन ए बी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. इफ ए इज़ लेस देन जीरो एंड बी इज़ लेस देन जीरो, ए बी इज़ ग्रेटर देन जीरो. दो पॉजिटिव नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होती है, इसी तरह दो नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होती है. ये आपको पता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका आंसर नेगेटिव आता है, यानी लेस देन ज़ीरो. और इसी तरह आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर. उसके अलावा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के साइन में, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के साइन में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि आप इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू, आपने आपके पास कोई है x इज़ लेस देन y. ठीक है. अगर आप दोनों साइड्स को किसी माइनस किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैं इसको दोनों साइड्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो फिर मेरा इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा.
किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, ये फ़र्क होता है। हालांकि इक्वेशन में ऐसे नहीं होता, इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू y है तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस y होगा, ऐसा ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इक्वेलिटी के साइन में इफ x इज लेस देन y देन माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू वाई। अब ये टू की वजह से नहीं ये साइन चेंज हुआ, ये साइन किसकी वजह से चेंज हुआ है, इस माइनस नंबर से। अगर आप दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इक्वालिटी का साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का, बस ये डिफरेंस है, बाकी उसी तरह ही सेम इक्वालिटी वाली ही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब एक एग्जांपल है, सॉल्व 9 माइनस 7 एक्स इज़ ग्रेटर देन 19 माइनस 2 एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर क्यों है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं, और जिसमें इनइक्वालिटी का साइन होता है उसे लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपने अभी की हैं इनको यूज़ करते हुए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 7 एक्स इज ग्रेटर देन 19 माइनस 2 एक्स, 9 माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 19, यानी माइनस 2 एक्स को आप इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जब लाएंगे तो वो प्लस 2 एक्स हो जाएगा, और माइनस 7 एक्स प्लस 2 एक्स आपका 9 माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 19 हो गया। आप 9 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस 9 होगा, माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड एक्स इज, अब यहाँ पर क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना था आपने यहाँ पर इसको माइनस 5 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर से, आपकी इक्वालिटी के साइन ने चेंज होना है, तो आपका साइन क्या आएगा, x इज लेस देन माइनस 2, और आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x वेयर एज x इज लेस देन माइनस 2। इस तरह से हमने इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के बारे में, वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ्स की तरफ जो है वो बाद में हो सकता है अगले लेक्चर में वो डिस्कस करें। जी, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज, 3x प्लस 1 इज लेस देन 5x माइनस 4। जब आपको इनइक्वालिटी इस तरह से आ जाती है लीनियर इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है। अब 5x की साइड पे आप माइनस 3x को उधर से लेकर आए तो वो माइनस 3x हो गया, ठीक है, और ये जो 1 इधर था ये ऐसे ही रहा, और ये जो माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो गया। अब ये 5 इज़ लेस देन 2x आ गया, और 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, x इज़ ग्रेटर देन 5/2, इस तरह भी लिखा जा सकता है, यहाँ 5/2 इज़ लेस देन x, या इस तरह लिखा जा सकता है x इज़ ग्रेटर देन 5/2। जिस साइड पे इसका मुंह खुला है वो बड़ी है, ठीक है, तो बस मेक श्योर कि अगर आप इसकी तरतीब चेंज करें तो इस तरह से साइन को भी उसी तरह से चेंज कर दें। सॉल्यूशन सेट क्या है, x वेयर एज x इज़ ग्रेटर देन 5/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब यहाँ पर कौन सा साइन है, ये भी इनइक्वालिटी का साइन है, लेकिन इसमें लेस देन एंड इक्वल टू आता है, कि वो सारी वैल्यूज़ जो इसका आंसर आएगा x उन सारी वैल्यूज से बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम x को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, यानी x के पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में आंसर ढूंढा ना, ये वाला x इज ग्रेटर देन 5/2, और 5/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 4x माइनस 10.3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 21x माइनस 1.8। कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दिया, सॉल्व किया आपने, और साइन बस ध्यान रखना है कि जब तक आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, साइन नहीं चेंज करना, और ये आपके पास आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 0.5। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, x वेयर एज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 0.5।
सॉल्यूशन सेट को इस तरह से इस फॉर्म में ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 - 1/2x इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -7 + 1/4x. तो इसको भी सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शंस आ जाती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है, एक्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे कर लेना है. उसके बाद ये 4 है, ये 2 है. एलसीएम ले लें, आपको आसान लगता है. एलसीएम लेना आसान नहीं लगता तो फिर आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं ना, उससे आपने थ्रू आउट सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना. उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया गया है 4 और 2 का, और 4 आ गया एलसीएम, x + 2x/4 आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, x + 2x किसके इक्वल होता है, 3x के. तो 3/4x. अब यहाँ पर 11 है, ये 3/4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आपके पास x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 44/3 आ गया, और इसी को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक श्योर के आपने बस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से करने हैं. इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आसान हैं सॉल्व करने, बिल्कुल इक्वेशंस की तरह, लीनियर इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व हो जाते हैं. फ़र्क इसमें क्या आता है, इसमें जब आपने इसका ग्राफ बनाना है वो थोड़ा ट्रिकी है. तो x - 2 × 5 - 2x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 6x - 3/1/2. इसको आपने सॉल्व किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. क्यों, ताकि ये डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाए. तो हम ईच एंड एवरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x - 4 × 5 - 2x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 12x - 7. मुझे भी ये मेथड आसान लगता है, क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाता है. एलसीएम लेने में समटाइम्स स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रकम है एक या एक से ज़्यादा, तो उस रकम को पूरे आप इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और फिर आपकी जो है ये सीधी आपकी बन जाए इनइक्वालिटी, फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है. तो ये आपके पास 2x < -13, x < -13/2. सो योर सॉल्यूशन सेट इज़ दिस, राइट. इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा. अगेन यहाँ पर 3 और 9 डिनोमिनेटर में है, आप दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करके अपना डिनोमिनेटर ख़त्म कर दें और उसको फिर सॉल्व करके, तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, एक्स वेयर एज एक्स इज़ लेस देन 8/3. अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में लेस देन एंड इक्वल टू है तो आपने भी इक्वल टू का साइन साथ साथ डालना है, अगर नहीं है तो अपने पास से नहीं डाल सकते. क्लियर. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राफ द इनइक्वालिटी x + 2y < 6. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनइक्वालिटी है. एक तो इस इनइक्वालिटी में 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, लेस देन का साइन है, दूसरी साइड पे है 6. दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है. क्यों, क्योंकि x और y की पावर्स जो हैं वो 1 है. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, द एसोसिएट इक्वेशन इज, ये जो इनइक्वालिटी है इससे एसोसिएट जो है आपने एक इक्वेशन लिख लेनी है. यानी लेस देन का साइन जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने भूल जाना है और इक्वेशन आपने लिख लेनी है x + 2y = 6. ये इक्वेशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस तरह से सॉल्व करना है कि पहले आपने रखना है लेट y = 0, ये आपने पुट करना है इसके अंदर.
जब हमने y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास x किसके इक्वल आया, 6 के। ऐसे ही है ना, अगर इसमें हमने y ज़ीरो पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, क्योंकि x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। अब y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके जो x की वैल्यू मिली है, ये हमें पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को किस तरह लिखते हैं, 6 0। ये क्या है, एक पॉइंट। पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होती है, जो किसी इक्वेशन में पुट करके हमें मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट निकालना आपको आना चाहिए। और ये पॉइंट हमने दो पॉइंट्स हर क्वेश्चन में, ग्राफ द इनइक्वालिटी जब आपको आएगा, आपने हर क्वेश्चन में पहले आपने उसे इनइक्वालिटी की एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, ई क्यू मतलब इक्वेशन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा उसमें y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी दफ़ा x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट x इज इक्वल टू ज़ीरो, जब आपने इसमें x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आप ये भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2y इज इक्वल टू 6 और ये आ गया y इज इक्वल टू 3। कटिंग करके 2 को उधर ले जाएंगे तो कटिंग हो जाएगा। अब पॉइंट आपके पास क्या आया, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 0। उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई, 3। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए, 6 0 और 0 3। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, ये वर्टिकल लाइन है, इस तरह सोन ऊपर तक जा रही है और ये नीचे तक जा रही है, यानी सोन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस, क्या कहते हैं, y एक्सिस। फिर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसको परपेंडिकुलरली कट करती है, ये भी ऐसे सो ऑन जा रही है। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और ये किसके इक्वल होता है, 0 0 के। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। ये एक्स वाई प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस आपको पता चल गए। अब इन लाइंस पे वैल्यूज़ क्या हैं, एक्चुअली ये दो रियल नंबर लाइंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से इधर x की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2, ये आ गया 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 आ गया, ये 1 है, आप ये लिख लें, ना भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है, सिर्फ आप 6 तक लिखते हैं। इस साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, जिस तरह इधर है ना उसी तरह इधर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह x की जो ऊपर वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, ये आपके पास आ गई 1, ये आ गई 2 3 और ये 4। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़, -1 -2 -3। हर क्वेश्चन में आपने ये एक्स वाई प्लेन तो ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है, जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं, हर क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट्स निकलेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना। प्लॉट करना क्या है, पहला आपका पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू है 6, एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 0, वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर है, वो भी इसी लाइन पे, यहाँ पूरी लाइन पे वाई 0 है,
इधर पूरी लाइन पे y1 है, ठीक है, तो x6 और y0 ये आपका इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया x6 और y0 का। तो यही पॉइंट आपको चाहिए, जो पहला पॉइंट आपका था, इसको आप ब्लर हो जाती है अगर P1 नाम दे दें अगर तो, और इसको आप P2 नाम दे दें अगर, तो ये आपके पास आ गया P1, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है ज़ीरो, x की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है, थ्री। अब इसी लाइन के पैरेलल जाते जाते, इसी लाइन पे जाते जाते यहाँ पर y की वैल्यू थ्री तक हम पहुँच गए, और ये आपको आपका दूसरा पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या है, P2। ये दो पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, स्केल की हेल्प से आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ये रफ ग्राफ होता है, एग्जैक्ट आपने नहीं लेना होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपकी जो है ना वो सीधी हो वैल्यूज़। ये डॉटेड लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आप इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इस इनइक्वालिटी, तो इक्वेशन आपने बनाई थी ना, इक्वेशन की आपने वो ये लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपके पास इक्वेशन हो, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो उसका ग्राफ बस ये लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। इसको पेंसिल से अच्छी तरह से, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, क्यों लगाई है बाद में बताती हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये इक्वेशन आ जाए, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स का ग्राफ बनाए, तो ये इसका ग्राफ बन गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये इक्वेशन नहीं थी, हमारे क्वेश्चन में क्या था, x प्लस टू वाई इज लेस देन सिक्स, ठीक है, x प्लस टू वाई इज लेस देन सिक्स, तो हमें वो वाला एरिया चाहिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, आपके पास दो, ये जो लाइन आ गई ना, इस लाइन ने आपके ग्राफ को काट दिया है दो हिस्सों में, एक हिस्सा है ये ऊपर वाला, एक हिस्सा है ये नीचे वाला, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो नीचे वाला हिस्सा है या ऊपर वाला हिस्सा है। उसके लिए आपने दो पॉइंट्स लेकर चेक कर लेना है, मतलब मैं नीचे वाले हिस्से को पहले चेक करती हूँ, नीचे वाले हिस्से में कोई पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे ये पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो, या कोई पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये वन वन, ये वन और ये वन, या कोई पॉइंट ले लेती हूँ वन टू, ठीक है, नीचे वाले हिस्से के पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई सा भी पॉइंट जो आपको आसान लगता है, और सबसे आसान ज़ाहिर बात है हमें ज़ीरो ही लगेगा, उस पॉइंट को पुट करके फोर ज़ीरो ज़ीरो आपने चेक करना है कि क्या आपकी इनइक्वालिटी सही साबित हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। x की जगह पे भी ज़ीरो रखो, y की जगह पे भी ज़ीरो रखो, तो क्या आपके पास आएगा ज़ीरो इज़ लेस देन सिक्स, ट्रू। अगर ये ट्रू है, इसका मतलब आपका जो रीजन है वो नीचे वाला है, तो ये आपका रीजन आ गया। ये इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है, और क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छी समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब डॉटेड लाइन क्यों है, डॉटेड लाइन इसलिए है कि इस लाइन से यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेस देन, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन इसमें नहीं डला हुआ था, ये सिर्फ लेस देन था। अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये डॉटेड लाइन ना होती, हम इसको सीधी लाइन डालते और ये लाइन भी आपके सोल्यूशन में शामिल होती, लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ नहीं थी इसके अंदर, हमने ये डॉटेड लाइन डाली, और ये वाला जो है इस लाइन से नीचे वाला सारा रीजन आपका सोल्यूशन है, इसका ग्राफ क्या है, इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा। तो इस तरह से आपने इनइक्वालिटी के ग्राफ जो है वो बनाने हैं। एक्स वाई प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम तो आसान ही है, एसोसिएट इक्वेशन बनाकर दो पॉइंट्स निकाल लेना, दो पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको आना चाहिए, ज्वाइन करना है, और फिर तीसरा काम क्या है कि कौन सा रीजन इसमें शामिल होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला। अब ये जो y एक्सिस है, ये आपके इस एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट।
इसी तरह राइट वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला नेगेटिव है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपके ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, अपर लोअर, ठीक है। अपर वाला पॉजिटिव है, लोअर वाला नेगेटिव है, तो ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। और ये जो है दरमियान वाला पॉइंट, ये जीरो जीरो ही लेना है। पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो इस साइड पे, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे, वाई की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे, वाई की नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे। पॉइंट प्लॉट करके आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दो रीजन आपके पास आ गए इन दोनों में से। अब मैं अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती, अब ये देखो यहाँ ऊपर वाले रीजन पे, यहाँ पे क्या एक्स सिक्स है ना, और वाई मैंने ले लिया फोर, चलो ये ऊपर कोई पॉइंट ले लिया सिक्स फोर। इस पॉइंट को सिक्स फोर को इसमें पुट करके देखना, आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सिक्स प्लस एट फोर्टीन आ गया, फोर्टीन छः से छोटा होता है या बड़ा होता है, बड़ा होता है ना, तो इक्वेशन आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान वही रिलेशन हो जो आपकी इक्वालिटी शो कर रही है, इनक्वालिटी। जैसे ज़ीरो छः से छोटा ही था, लेकिन अगर मैं ऊपर वाला कोई पॉइंट पुट करती हूँ, सिक्स फोर मैंने पुट किया तो मेरा आंसर आ गया एट फोर्टीन, और फोर्टीन जो है वो सिक्स से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो वो मेरा पोर्शन इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये वाला जो है ये ज़रूरी है ये आपको बताने के लिए, और इस तरह ये शेड कर देना है कि जी ये वाला पोर्शन शामिल है। जी तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये इनइक्वालिटी जो है, पहले क्वेश्चंस थे, सिर्फ उनको सॉल्व करना था, ठीक है। सॉल्व करना है, उसमें एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल के आपने उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। अगर दो वेरिएबल्स के अंदर आ जाती है और उसको ग्राफ उसका बनाने को कहा जाता है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया। एक क्वेश्चन हमने किया, इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। लेकिन ग्राफ की प्रैक्टिस अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है इसको खुद से कीजिएगा। हाँ, इस तरह के जो सॉल्व द इनक्वालिटी है, ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ये अब आपको आ जाने चाहिए। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनक्वालिटीज़ की, वो भी आपने टिकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये इन प्रॉपर्टीज़ के नाम के साथ ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। और एक जो अहम प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, जो इक्वालिटी के अंदर नहीं, इक्वेशन के अंदर नहीं होती, कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप कोई इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव नंबर प्लस या नेगेटिव नंबर जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपकी इनइक्वालिटी जो है वो अपना साइन चेंज कर देती है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। कल इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।